हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मॉस्किटो यानी मच्छर एक ऐसा इंसेक्ट है जिसे हम कभी भी सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन हर साल 10 से 15 लाख लोग मॉस्किटो बाइट की वजह से मर जाते हैं। और मॉस्किटो से बचने के लिए घर के अंदर जो हम रिफिल कोयल वगैरह यूज़ करते हैं, उसके धुएं से मच्छर मरते तो नहीं है, लेकिन वो धुआँ हमारी बॉडी के अंदर पहुँच के हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो फिर मच्छरों से बचने के लिए क्या करें। दोस्तों, मच्छरों से बचने के लिए मैं आपको एक ऐसे पेस्टिसाइड के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल साल में केवल आपको 2 बार करना है और आपको साल भर तक मच्छरों से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मॉस्किटो को आप 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो लार्वा स्टेज पर और दूसरा एडल्ट स्टेज पे जब आपको घर के अंदर मच्छर नजर आते हैं। अगर आप लार्वा स्टेज में मॉस्किटो कंट्रोल करना चाहते हैं, या आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर पानी भरा रहता है, या कोई पोल्ट्री फॉर्म है, या कोई पिग फॉर्म है, या फिर कोई गाय भैंस का तबेला है, तो ऐसी जगहों पर पानी भरा रहता है गंदा, और गंदी जगहों पर ये आराम से मच्छर मक्खी अपने अंडे देते हैं और जहाँ पर ये लार्वा पनपते हैं। अगर आप लार्वा को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे अच्छा पेस्टिसाइड है उसका नाम है बायलार्व, जिसे बायर कंपनी बनाती है। इसके अंदर जो एक्टिव पेस्टिसाइड है उसका नाम है डाइफ्लू बेंजुरोन। दोस्तों, अगर आप इस पेस्टिसाइड को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको 10 से 15 लीटर पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है। फिर इसको अपने पंप के अंदर भर के आप इसका स्प्रे उस गंदे पानी पर करेंगे जहाँ पर लार्वा जमा है। इसके अलावा अगर आप कोई पोल्ट्री फॉर्म चलाते हैं, कोई पिग फॉर्म चलाते हैं, या गाय भैंस का तबेला आप लोग रन करते हैं और उस जगह पर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन जानवरों को वहाँ से हटा देंगे जहाँ पे गंदगी फैली हुई है, और फिर इसका स्प्रे आप वहाँ करेंगे, ठीक है। और फिर 15 दिन के बाद सेम प्रोसीजर को आप रिपीट कर देंगे। ठीक ऐसे ही अगर आप एडल्ट मॉस्किटो ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे अच्छा पेस्टिसाइड है दोस्तों, उसका नाम है आइकोन 10 WP और आइकोन 10 CS। दोस्तों, इन दोनों के अंदर सेम ही पेस्टिसाइड है बराबर मात्रा में, जिसका नाम है लैम्डा साई हेलोथ्रीन। बस इनके फॉर्मुलेशन में फ़र्क है। WP से मतलब है कि इस पेस्टिसाइड को पाउडर फॉर्म में बनाया गया है जो कि पानी के अंदर डालते मिक्स हो जाता है, और CS से मतलब है इसके अंदर जो पेस्टिसाइड है वो कैप्सुलेटेड फॉर्म के अंदर है। बस फर्क इतना है, जो WP वाले पेस्टिसाइड होते हैं वो 3 से 4 महीने तक उनका असर रहता है, जो CS वाले होते हैं वो चूंकि कैप्सूल फॉर्म के अंदर होते हैं उसके अंदर धूप और बारिश का बहुत कम इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से 6-7 महीने तक ये पेस्टिसाइड ईजिली वर्क करता है। तो इन दोनों में जो भी पेस्टिसाइड आपको अच्छा लगे या मार्केट में अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अमेजोन के लिंक, अगर आप अमेजोन से खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिए हैं, वहाँ से जाके इस पेस्टिसाइड को आप परचेस कर सकते हैं। अब इस पेस्टिसाइड को आपको यूज़ कैसे करना है उसके लिए चलिए मैं आपको अपनी एक साइट पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा दिखाऊँगा। चलिए वहाँ चलते हैं। दोस्तों, घर के अंदर पेस्टिसाइड का स्प्रे करने से पहले किसी अच्छी मूवी का टिकट देकर बच्चों को 2-3 घंटे के लिए घर से बाहर भेज दो, और आप पेस्टिसाइड को पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करके और ग्लव्स और मास्क पहनकर इसका स्प्रे करना शुरू करो। घर के अंदर जैसे बाथरूम की दीवारें हो गई, या जिन दीवारों पर क्या नाम है सीलन रहती है और अंधेरा रहता है, उन सब एरियो पर अच्छी तरीके से पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है अंदर की तरफ। और बाथरूम की तो चारों तरफ की दीवारें अच्छी तरीके से ले लेनी है, क्योंकि मच्छर वहाँ बैठे रहते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी रूम में स्प्रे कर रहे हैं तो रूम के बेड के नीचे का एरिया, सोफे के पीछे का एरिया और जितने भी कोने हैं उन सब जगहों पर अच्छी तरीके से स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि वहाँ अंधेरा रहता है। और मच्छरों की एक खास बात होती है कि जहाँ अंधेरा रहता है और या सीलन रहती है उन जगहों पर ही जाकर ये छुपते हैं और रात को फिर अटैक करते हैं। दोस्तों, अगर घर के अंदर छोटे बच्चे हैं तो स्प्रे करते टाइम रूम की जितनी भी दीवारें हैं उसमें नीचे का 5 फीट का हिस्सा छोड़ देना चाहिए, बाकी ऊपर की सब दीवारों पर स्प्रे करना चाहिए। और ऐसे ही अपनी खिड़कियों के पर्दों के ऊपर भी स्प्रे करना चाहिए, नीचे का पोर्शन छोड़ देना चाहिए। सारी विंडो लेनी है आपको, विंडो के ऊपर भी स्प्रे करना है। और ऐसे ही आपका जो बाहर का एरिया है, बाहर की दीवारें हैं, उन पर भी स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि मच्छरों की एक आदत होती है वो पहले बाहर आके बैठते हैं दीवारों पर, और जैसे ही हमारा दरवाज़ा खुलता है वो अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए बाहर का दरवाज़ा के ऊपर भी स्प्रे करना चाहिए और आसपास की दीवारें भी ले लेनी चाहिए, जिससे कि मच्छर वहाँ बैठे और बैठते मर जाए। दोस्तों, अगर आपको पोल्ट्री फॉर्म में स्प्रे करना है या किसी जानवर के तबेले में आपको स्प्रे करना है, तो सबसे पहले जानवरों को और मुर्गियों को वहाँ से हटा देंगे, तब आपको इस पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है
चारों तरफ की दीवारों पर, और जैसे ही मच्छर इन दीवारों पर बैठेगा, बैठने के कुछ टाइम के बाद वो मर जाएगा। और इस तरह से ये पेस्टिसाइड दीवारों के ऊपर 3-4 महीने तक काम करता है, यानी 3-4 महीने के लिए आपकी मॉस्किटो की प्रॉब्लम यानी मच्छरों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, किसी भी पेस्टिसाइड का काम किसी भी इंसेक्ट को मारना होता है, उसको रोकना नहीं होता। स्प्रे करने के बाद अपने घर के दरवाजे हमेशा बंद रखें, खासकर 4 बजे के बाद शाम को, क्योंकि अगर आप दरवाजे खुले रखेंगे तो लगातार बाहर से मच्छर अंदर आते रहेंगे और हो सकता है वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में बैठ जाए और आपको लगे कि यहाँ तो मच्छर मरा ही नहीं। तो दोस्तों ये तरीका है मॉस्किटो ट्रीटमेंट करने का। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको इस बारे में पता चल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।